नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बेतिया रेलवे स्टेशन के ग्राउंड में हम मौजूद हैं। यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है जो पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। अब यह भव्य तरीके से मनाने का मेन उद्देश्य क्या है, जो इसमें रेलवे के बहुत कर्मचारी भी हैं, वरीय पदाधिकारी भी हैं, कुछ प्रशासन भी हैं और रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर भी हैं और इन लोगों के बीच में माननीय रेलवे डीआरएम साहब भी मौजूद है। आइए हम डीआरएम साहब से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कुछ सवाल है कि आपके लॉकडाउन के पहले गाड़ी डायरेक्ट मुजफ्फरपुर से गोरखपुर जाती थी, जिससे यात्रियों को आने जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता था। आज लॉकडाउन के बाद गाड़ी मुजफ्फरपुर से जाकर नरकटियागंज गाड़ी रुक जाती है पैसेंजर, और फिर वहां से दूसरे गाड़ी पकड़कर लोगों को जाना पड़ता है गोरखपुर, जिससे यात्रियों को ज़्यादा परेशानी होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑलरेडी मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच ट्रेन चलाने के लिए प्रस्तावित की गई है जी। हेडक्वार्टर से रेलवे बोर्ड को ऑलरेडी भेजा गया है, शीघ्र ही मैं समझता हूं कि आने वाली है। और ऑलरेडी यहां के माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल साहब भी इसके लिए प्रयासरत हैं, राधा मोहन सिंह जी भी प्रयासरत हैं जी। तो देखिए जल्दी ही इसकी। और एक बात और है सर, जो 5215 जो गाड़ी जाती है मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट नरकटियागंज, उसका टाइम लगभग नरकटियागंज में 11 बजे है, उसके पहले कोई गाड़ी नहीं है। अब फिर उधर से गाड़ी जो 5216 आती है, उसके बाद 1:30 भोर में पैसेंजर गाड़ी है, बीच में एको गाड़ी नहीं है, जिसके चलते परेशानी बहुत ज़्यादा होता है जनता को आने जाने में। 5216 के बाद एक भी गाड़ी नहीं है। चलिए इसकी समीक्षा की जाएगी जी। और एक और मुद्दा पर हम बात करेंगे सर। एक बार हमने इंटरसिटी गाड़ी से पाटलिपुत्र गए तो देखे कि उस गाड़ी में 6 घंटा का सफ़र है, जबकि उसमें शौचालय एक भी नहीं था। एक शौचालय हमको मिला, जो हम गए तो देखे कि इतना पानी लगा हुआ था, और कुछ लड़कियां थी जो जाकर मुजफ्फरपुर में ट्रांसफ़र करके दूसरे शौचालय का उपयोग की, जब तक गाड़ी डगर गई। उसके लिए शौचालय के लिए सर क्या कह रहे हैं? उधर मेमो वगैरह में जो व्यवस्था है, एक ही शौचालय था, उसमें शौचालय नहीं रहता है। तो फिर शौचालय जब नहीं है तो पैसेंजर को आने जाने पर विचार की जाएगी। और एक और हम साथी के लिए विशेष करके बात करेंगे आपसे, एक मिनट सर, और साथी के लिए विशेष बात करेंगे। जो रेलवे स्टेशन के जो पश्चिम है वो लगभग उसका स्थिति इतना जर्जर है कि हम लोगों के नज़रों के सामने कई गो एक्सीडेंट हो गया। मौत तो नहीं हुआ मगर घायल लोग बहुत ज़्यादा हुए। उस रोड की रिपेयरिंग के लिए सर क्या कहते हैं? रोड रिपेयर करा दिया जाएगा, हम दिखवा लेते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर से जो बातचीत हुई, आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी ये काम होने वाला है। श्री आशीष गुप्ता जी, श्री राहुल चतुर्वेदी जी, श्री धर्मेंद्र राय जी, कुमार गौरव जी, श्री अभिषेक सराफ जी, हमारे प्रेस मीडिया से उपस्थित सभी अधिकारी एवं उनके प्रतिनिधिगण, उपस्थित यहाँ यात्रीगण, हमारे रेल सहकर्मी और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहे हमारे मंडल कला समिति के जो यहाँ उपस्थित सदस्य हैं, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर इस गरिमामयी दिन का शोभा बढ़ाया, तथा हम लोगों ने जैसा कि हमारी रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया कि हम बेतिया स्टेशन का स्थापना दिवस एक कल्चरल प्रोग्राम के तहत और केक काटकर कर रहे हैं, उसमें आप सबके समक्ष केक काटा गया और स्थापना दिवस हम बेतिया स्टेशन का मना रहे हैं। यह एक हमारे लिए और मंडल के लिए और यहाँ के लिए, जिला के लिए एक यह गौरवान्वित पल है। इसको एक यादगार के रूप में हम लोग अभी मना रहे हैं, और जैसा कि सुझाव आया है श्री राहुल चतुर्वेदी जी के द्वारा कि बेतिया गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन रिस्टोर की जाए, लगातार प्रयास जारी हैं और कुछ शॉर्टेज के तहत कहिए या जैसे भी
इसका परिचालन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन शीघ्र ही किया जाएगा। ऑलरेडी प्रस्तावित है, हमारे सांसद महोदय जी भी जायसवाल साहब लगे हुए हैं। बेतिया से पटना जाने वाली ट्रेन में भी भीड़ आजकल हो रही है, ट्रेन पहले बंद हो गई थी फिर चल रही है, तो इसमें बोगियों की बढ़ाने की भी गुंजाइश है, प्रयास किया जा रहा है। शाम में इस स्टेशन के ऊपर आज के दिन दीप प्रज्वलित करके इसको और गौरवान्वित पल बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग स्टेशन प्रबंधक से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप उसमें सहयोग करेंगे और वैसा दीप प्रज्वलित करके आज के स्थापना दिवस को और भी गौरवान्वित करेंगे। रोड के रिपेयर का भी प्रोग्राम है, स्टेशन रीडेवलपमेंट में टेंडर ऑलरेडी अवार्ड किए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इधर से इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है और इधर से क्वार्टर वगैरह जो डैमेज थे उसको तोड़ करके इसके और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तारीकरण किया जा रहा है, उसके तहत ऑलरेडी रोड का उसमें प्रावधान किया हुआ है। जहाँ तक रिजर्वेशन और साइकिल स्टैंड की है, इसमें हम लोग देखेंगे विलम्ब, इसमें जो भी कुछ त्रुटियां हैं उसको दूर कराई जाएगी। जैसा कि हमारे धर्मेंद्र जी और इनके सहयोगी लोगों ने बताया, एक बड़े डिजिटल घड़ी की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रिकल विभाग को बोलते हैं ताकि दूर से घड़ी भी टाइमिंग का पता चलेगा। और जैसा कि विगत कुछ सालों से आप लोग देख रहे हैं कि कुछ न कुछ विकास हमेशा जारी है, इस स्टेशन पर डबलिंग खुलने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सुगौली से मझौलिया तक डबल लाइन खुल चुका है, मझौलिया बेतिया और बेतिया कुमारबाग, ये शीघ्र ही होने की संभावना है। कुछ अगले विगत महीना के बाद इसका भी कार्य हो जाएगा। इसमें कुछ पुल पुलिया बनने थे जो कि काफ़ी प्रगति पर है कार्य। इस तरह बेतिया का विकास जो है, एक जिला मुख्यालय होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी यात्रियों की संख्या भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट हो रहा है ये। आगे मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर जब डबलिंग होते हुए गोरखपुर तक डबल लाइन हो जाएगा तो इस डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन तो है ही, एक और काफ़ी ये व्यस्त लाइन होगा जो सीधा गोरखपुर तक जाती है। तो इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य शुरू हो गया है, हाल ही में अवार्ड हुआ है, उसके तहत मैं समझता हूँ कि कहने की ज़रूरत नहीं होगी, काफ़ी ये विकसित करेगा स्टेशन और सारी सुविधाओं से लैस होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को पुनः एक बार बधाई देते हुए अपने रेलवे से जो इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दे रहे हैं, इंजीनियरिंग विभाग है, बिजली विभाग है, SNT विभाग है और ख़ास करके हमारे मंडल कला समिति के सभी हमारे सदस्यगण हैं, उनको मैं अपने तरफ से और आप लोगों के तरफ से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपके सहयोग से ये संभव हो पाया, आयोजन काफ़ी सफल रहा। धन्यवाद। DRM साहब को अपने हाथों से हम केक खिला रहे हैं। DRM साहब से हम भी केक खा चुके हैं।